Air is a mixture of gases having 78% nitrogen, 21% oxygen, and very trace amount of water vapors, carbon dioxide, argon, and so on. Now, if we talk about its properties, so generally we say that air is odorless, colorless, and tasteless. Now, the specific properties. The specific properties are: air occupies some space, air has mass, means weight, and air exerts pressure. Now I'm going to prove these statements through experiments. So now let's start. The first experiment is air occupied space. उसके लिए हमारे पास एक water ball है, एक glass है कांच का, and then एक tennis ball. अब हम देखेंगे जब हम इस ball को put करेंगे इसके water surface के ऊपर क्या ये ball नीचे जाएगा, बीच में रहेगा या ऊपर ही रहेगा. Let's start. आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि बॉल जो है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर बॉटम इस बॉल के बॉटम में जा चुका है, बीच में नहीं आया या ऊपर नहीं रहा. क्यों? व्हाई? इसके लिए रीजन ये है कि ये ग्लास खाली तो है, दिखता तो खाली है, पर ये खाली है नहीं, इसमें एयर भरी हुई है. सो इट इट दिस प्रूव्स दैट कि एयर ऑक्युपाई सम स्पेस. जैसे कि इस ग्लास को मैंने इस टेबल पे रख दिया, ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है. Now students, our second experiment is air has some mass means weight. और ये मैंने दो balloons एक scale के साथ thread के साथ बांध दिए हैं, जो कि हमें ये prove करेंगे कि air का वजन यानी कि mass होता है. For example, ये हम एक balloon को हमने pinch किया था, तो एक जो है जो फट चुका है और दूसरी तरफ देखो scale का जो level है वो नीचे की तरफ झुक चुका है, यानी कि इसका mass जो है. It means that ये चीज prove करती है कि air has some mass. स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वो था एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. अब हम ये जानेंगे कि एयर प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट करता है. अब उसके लिए मैंने एक प्लेट लिया है, आप देख सकते हैं प्लेट पे मैंने वाटर भरा हुआ है और एक रेड कलर जो पाउडर जो है इसमें मिक्स किया ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से नजर आए. अब हमने एक कैंडल को जलाया हुआ है, अब मैं इस गिलास को इस कैंडल के ऊपर रखूंगा, इंसर्ट करूंगा. ये मैंने रख दिया. अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे कैंडल बुझ रही है और धीरे धीरे ये वाटर लेवल जो है, पानी जो है वो रेज हो रहा है. देखो पानी इस गिलास में जो है रेज होके ऊपर की तरफ आ गया. अब टू क्वेश्चंस हमारे माइंड में जो है रेज होते हैं, और ये दो क्वेश्चंस ये हैं. सबसे पहले तो ये है कि कैंडल क्यों बुझी. कैंडल इसलिए बुझी क्योंकि ये गिलास के अंदर एयर भरी हुई थी. जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एयर ऑक्युपाइड स्पेस गिलास के अंदर स्पेस ले रही थी, और जब ऐसा कहा भी जाता है, आपको पता होगा ये स्टेटमेंट कि एयर स्पोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन स्पोर्ट्स बर्निंग, और जितनी देर ऑक्सीजन थी गिलास में तब तक कैंडल बर्न होती रही. जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कैंडल भी बुझ गई. तो इससे प्रूफ हो गया कि जो ऑक्सीजन है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को. और वाटर लेवल, जो दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहा होगा कि वाटर लेवल रेज क्यों हुआ, क्योंकि बाहर प्लेट के बाहर जो पानी था उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो ज्यादा था और गिलास के अंदर जो था वो कम था. लेकिन जब इसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो गई, जब बर्निंग ऑफ कैंडल ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर दिया, तो उसने प्रेशर कम हो गया, उसका प्रेशर कम हो गया और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो ज्यादा हो गया. तो उसने अंदर जो है घुसने की कोशिश की और पानी जो है उसके प्रेशर की वजह से एकदम से अंदर हुआ और उसका लेवल जो है इंक्रीज हो गया. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगे होंगे. थैंक यू.